नोकुंडे में वसी कदा अराजी हासिल करने और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने पर तवज्जो दे गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासिन से। मुल्क में सैनेट इंतखाबात में अराकीन का वोट फरोख करने के हवाले से तासुर बदनुमादा है। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान ने अच्छा खास पाक फौज और पाकिस्तान के आवाम को दीगर बाबर की कामयाब तजुर्द लेकर मुबारकबाद है। पार्लिमानी सत्र की बरए नाज महकमा कर रहे महकमा तालीम में दीगर महकमों की करप्शन ज्यादा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयर सुबह इलेक्शन कमिश्नरों के दफातर में डिजिटल सर्कुलर सेंटर कायम कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान बलोचिस्तान में मजीद 102 लापता अफराद की बाजियाबी तस्दीक हो गई है। कबायली तनाजा मुबैना अगवा के वाक़े में गिरफ्तारी के खिलाफ खवातीन ने एहतजाजन रोड ब्लॉक कर दिया। अब खबरें तस्दीक गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासिन जई ने कहा है कि बलोचिस्तान कुदरती वसाइल मादनियात से माला माल सूबा है, लिहाजा मादनियात और कुदरती वसाइल से मुतालिक नई यूनिवर्सिटी के क्याम के तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लेने के लिए दुरुस्त मनसूबाबंदी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नोकुंडी में वसी कदा अराजी हासिल करने और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने पर तवज्जो दें। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत चावानी ने कहा है कि मुल्क में सैनेट इंतखाबात में अराकीन का वोट फरोख्त करने के हवाले से तासुर बदनुमा दाग है। सेनेट में अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो इससे पार्लियामेंट का तकद्दस पामाल हो रहा होता है। 18वीं तरमीम में इस मसले को हल हो जाना चाहिए था। वजीर आजम ने बलोचिस्तान में वोटों की फरोख्त के हवाले से आम टर्म में बात की है। इस हवाले से हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इतलात मोहतरमा बशरीन ने अपने बयान में कहा है कि पाक फौज और पाकिस्तान के अवाम क्रूज मिजाइल बाबर के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ्फुज़ के ज़ामिन हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मजबूत फौज से नवाजा है और हम सबको अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से भी ढकी छुपी नहीं हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अख्तर हुसैन लांगो ने कहा है कि महकमा तालीम में दीगर महकमों की नस्बत करप्शन ज़्यादा है। सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा में अक्सर स्कूलों में डेस्क और कुर्सियों जैसी सहूलत मैसर नहीं। रिकॉर्ड्स की हद तक तो स्कूलों के लिए फर्नीचर वगैरह का सामान खरीद लिया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अक्सर असातिज़ा यूनियन की मजबूती की वजह से ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते। इस मसले के हल के लिए मैंने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर लाजम सर्विस का बिल मंजूर करवाया, लेकिन हुकूमत बेबस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैनेट इंतखाबात 2021 में रिटर्निंग अफसरान को स्क्रूटनी के दौरान ज़रूरी सहूलियात मुहैया करने और उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नरों के दफातर में डिजिटल सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए हैं। इस निज़ाम के तहत उम्मीदवारों के तमाम कवायद की जाँच पड़ताल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से वजारत दाखिला FIA नागरा नैब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्टेट बैंक से की जाएगी और इन इदारों से फराहम करदा मालूमात तमाम रिटर्निंग अफसरान को मुहैया की जाएंगी। बलोचिस्तान में मजीद 102 लापता अफराद की बाजियाबी की तस्दीक हो चुकी है। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम हुकूमती कमीशन की जानब से लापता अफराद के केसेस की समाअत सिकंदर जमाली ऑडिटोरियम क्वेटा में बलोचिस्तान हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस जनाब जस्टिस फजलुर रहमान की सरबराही में की जा रही है। जमेरात को कुल 113 लापता अफराद के केसेस सुने गए, जिनमें से 13 केसेस रेगुलर कॉज लिस्ट के थे। कबायली तनाजा मुबैना अगवा के वाक़े में गिरफ्तारी के खिलाफ खवातीन और लोगों ने डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने कौमी शाहराह पर रुकावटें खड़ी करके रोड एहतजाजन ब्लॉक कर दिया है। रोड ब्लॉक से गाड़ियों की कतारें लग गई हैं और मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाज करने वालों का कहना है कि हमारे लोगों पर अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और इंतजामिया के इल्म में भी ये बात है कि ये मुकदमा झूठा है और मजकूरा शख्स फरार है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।